राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग से आज बीए सेकंड ईयर के ई कंटेंट के माध्यम से आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, जो बीए सेकंड ईयर के पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हैं। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में जो हमें संविधान से प्राप्त है, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बात करें। भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। वहाँ उनके लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के अनुसित है, एक दूसरे पर आश्रित है। अतः संविधान में एक नया भाग कै जोड़ा गया, भाग चार में एक कै जोड़ा गया अनुच्छेद 51 कै में, जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को का प्रावधान किया गया। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 कै में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा, इसलिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिए हैं। यह जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है। अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। हमें हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा है, हमारे द्वारा लिखित है और हमारे द्वारा अपनाया गया है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए तथा उसमें जो दर्शाई गई संस्थाएं हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और अन्य जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत की व्यवस्था है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। जो 1947 से पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीय भक्ति की भावना की को हमारे दिल में संजोए रखे हुए थे, वो भावना में हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो इतिहास है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। उस समय जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन व्यक्तियों ने, जिन संस्थाओं ने, संगठनों ने
हमें जो आज़ादी प्राप्त करवाई है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगला है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारा मौलिक कर्तव्य यह है कि हमें जो भारत की एकता है, प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि हम किसी भी देश के अधीन नहीं हैं, हमारा खुद का संविधान है, हमारी खुद की कानून है, हमारे खुद की संस्थाएं हैं और हमारे ही लोग उसमें कार्य करते हैं। एकता का अर्थ है कि जो हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है और विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न वर्णों के लोग एक साथ रहते हैं, हमारे लिए भारतीय नागरिकता महत्वपूर्ण है, अन्य सभी गुण हैं और वो सब एकता अखंडता के मानक चित्र हैं जिनके माध्यम से हम आज भारत में एकता बनाए हुए हैं। और हमें उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखकर जो हमारे संविधान में प्रदत्त हैं, उन आदर्शों के माध्यम से हमें एकता का वातावरण बनाए रखना अति आवश्यक है, ये कभी भंग नहीं होना चाहिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा। हर देश का नागरिक, प्रत्येक देश का नागरिक ये मानता है कि उसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस भी माध्यम से, जिस भी प्रकार से, हमें देश प्रेम होना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि देश प्रेम ही सर्वोपरि है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमारा अस्तित्व है, बिना देशहीन या हम गुलाम देश के नागरिक होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। जैसा कि स्वतंत्रता से पूर्व 1940 से पूर्व हमें देखा गया था, हम गुलामों के थे, उससे पहले राजा महाराजाओं का काल देख लीजिए, उस कालों में भी आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी। अगला है, पांचवा मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारे मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोग किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म के हों, हमें सभी को एक नागरिक, एक भारतीय, एक देश, एक नागरिक वाली भावना हमें रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। और भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि भ्रातृत्व की भावना रखने पर ही हम एक देश की, एक राज्य की कल्पना कर सकते हैं, हमारी एकता और अखंडता उसमें ही समाहित है। अगला है, छठा मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे जो देश में हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, हमें उन परंपराओं, संस्कृति और रहन सहन, खान पान का आदर करना चाहिए। हमें उस प्रकार के वातावरण में बने हुए रहना चाहिए जिस प्रकार के वातावरण में हम एकता का माध्यम बना सकें। एकता बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, इसके लिए हमें विभिन्न संस्कृतियों, सामाजिक रीति रिवाजों को आदान प्रदान करते रहें, जिससे हमें भारतीय होने का गर्व प्राप्त हो। अगला सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जो हमें प्रकृति ने जो हमें संसाधन प्राप्त किए हैं, उन संसाधनों का आवश्यकता अनुसार दोहन करें, मिसयूज ना करें, क्योंकि वो हमें, हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें जैसे भारत में आज वनों की कटाई होती थी, वन कम होते रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वातावरण स्वस्थ रखें और स्वस्थ वातावरण में ही एक अच्छे देश और अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण होता है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छा देश होगा, और अच्छा देश होगा तो प्रगति करेगा और वो अपने विश्व परिप्रेक्ष्य में अपना नाम रखेगा। अगला है, आठवां मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको अपनाएं, नई नई सोच पैदा करें जिससे देश और राष्ट्र उन्नत हो सके। हमें नए नए प्रयोग करने चाहिए, हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करके वो संसाधन उपलब्ध कराएं जिससे प्रकृति का संरक्षण भी हो और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। इस प्रकार का हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
अगला है नौवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो हमें सरकार ने हमें जो चीज़ प्राप्त प्रदान की है, जैसे रेलवे स्टेशन, सड़क, बस, होटल्स, ऑफिस आदि, और जो संसाधन हमें प्राप्त हैं, उन संसाधनों का राज्य द्वारा जो संसाधन प्राप्त हुए हैं, उन संसाधनों का हमें हमारे लिए उपयोग के लिए बनाए गए, न कि उनको नष्ट किए गए। कुछ असामाजिक तत्व उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ व्याप्त रोष के कारण। हमें हमारे ही संसाधनों को नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। हमें राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना है, हमें राष्ट्र की संपत्ति को बनाए रखना है। क्योंकि यदि नुकसान पहुँचाने पर जो नुकसान होता है वो राष्ट्र होता है, और वो राष्ट्र को नुकसान होता है तो हमें नुकसान होता है। इसलिए हमारा पैरा परम करते हुए है कि हम उन संसाधनों को दोहन करें, परंतु उनको उपयोग लेने से ख़त्म ना करें। जैसा कि कई जगह बसें जलाई जाती हैं, ट्रेनें जलाई जाती हैं, ऐसा कतई ना करें, क्योंकि इससे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति ही नुकसान होता है। दसवा है मौलिक कर्तव्य कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें। हमें सामूहिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति मिलकर हमें भारत के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। जैसा कि गरीब हो, उस व्यक्ति को ऊंचा उठाने का कार्य करें, उसको सहायता करें। क्योंकि एक भी व्यक्ति यदि किसी बीमारी से ग्रस्त होता है या किसी चीज़ से नुकसान होता है तो राष्ट्र को नुकसान है। हमें सभी को साथ लेकर के राष्ट्र के विकास की भावना को ध्यान में रख करके आगे प्रयास करते रहने चाहिए। अगला है ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। इसके माध्यम से हमने 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का प्रावधान किया था। इसके माध्यम से ये माता पिता और या संरक्षक महम करते होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको उच्च शिक्षा प्रदान करें, जिससे वो राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो। इस प्रकार हमने आज मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की। मौलिक कर्तव्य संविधान में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। इन मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से हम देश की रक्षा और उसकी अखंडता बनाए रखने का कार्य करेंगे, और हम जो संविधान में हमें जो प्राप्त हुआ है, जो संविधान ने हमें दिया है, उनका हम सही तरह से पालन करें। हमें हमारे लिए देश महत्वपूर्ण हो, न कि जाति, संप्रदाय, धर्म या अन्य, यह हमारी संस्कृति क्षेत्र, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए, और देश प्रेम की भावना ही हमें बहुत आगे बढ़ाती है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूँ कि एक बार हमारे भारत से व्यक्ति जापान गए, वहाँ जब ट्रेन में देखा कि ट्रेन में एक बच्चा केले लेके आया, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर केले नहीं मिलते हैं। वो दौड़ता केले लेके आया और लेकर के उसने उनको दिए। इससे प्रतीत होता है कि हम हमारे देश की बुराई नहीं चाहते। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म संभव वाली उसमें गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि भारतीयों के लिए 0 समय दिया गया था। उस 0 समय में उन्होंने जब स्टार्ट किया और वहाँ के लोगों को जो संबोधन किया, वो ये प्रतीत करता है कि हम हमारे देश से कितना प्रेम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।